everyone, welcome to the channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास डिस्कस करने वाले हैं. केमिस्ट्री में हमारा जो आज का क्लास नंबर है दैट इज़ योर 102 क्लास करेंगे, जिसमें हमने 101 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए है. सो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड डन बिफोर. एंड अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सके. तो इससे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉस थे, 5 लॉस हमने वो सारे ही डिस्कस कर लिए, दैट द नीदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड एवोगैड्रो लॉ एंड ऑल दिस गे-लुसैक लॉ, वो सारे हमने यू नो मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले सारे जितने भी लॉस थे, 5 लॉस, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करेंगे, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी केमिस्ट्री में, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया था, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने महारत हासिल की थी. तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लेक्चर. सो प्लीज़ डू लाइक अवर वीडियो एंड शेयर अवर वीडियो सो दैट मैनी एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट द इन्फॉर्मेशन about this. Okay, so starting with the first topic that we have is for the today is Dalton's atomic theory. In Dalton's atomic theory, that what it says, although the origin of the idea that matter is composed of small individual particles called atomium, जो कि हम लोग को पता है कि जो ओरिजिन हुआ था एटम का, जो कि स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स था, उसे हम एटोमियो बोलते थे, जिसे हमने लास्ट में एटम बोलना शुरू कर दिया. एटोमियो का मीनिंग जो होता है दैट इज़ इंडिविजिबल, ऐसी चीज़ जिसको हम डिवाइड ना कर सके, डिविजिबल ना हो, उसे हम एटोमियो कहते थे. तो मीनिंग उसका इंडिविजिबल ही है. डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रेटस, अ ग्रीक फिलोसोफर. डेमोक्रेटस जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, 460 से 370 BC. It again started emerging as a result of several experiment studies which led to the laws. So basically what it is, जो आपके you know Democritus थे, वो एक ग्रीक फिलासफर थे, उन्होंने क्या किया था, 462-370 BC तक की उनकी लाइफ स्पैन था. तो उसके बाद क्या था, उन्होंने वो सारी चीज़ें इमर्ज किया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने सर्च किया था, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि अब लॉज के फॉर्म में हम पढ़ते हैं. तो डेमोक्रेटस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. दैट व्हाट इट इन 1808 डाल्टन्स पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग. सो 1808 में डाल्टन्स ने पब्लिश किया था एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी का, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की थी, जिसमें से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके सारी चीज़ें बताई हैं. सो प्लीज़ 4 ही चीज़ उन्होंने प्रपोज की थी, जो कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री ऑफ 1808 में जो दिया था, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया. तो 1808 में उन्होंने 4 चीज़ें प्रपोज की थी अपने जो उनके न्यू सिस्टम था केमिकल फिलॉसफी का, उसमें इन्होंने पहली जो चीज़ थी दैट इज़ मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम. तो जो कोई भी मैटर अगर वो है और उसमें अगर एटम है, तो ऑब्वियसली बात है एटम के बिना तो मैटर हो नहीं सकता. तो मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, उस इन एटम्स को हम इनडिवाइड कर सकें, मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल हो, दैट इज़ मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, दैट इज़ प्रपोज बाय द डाल्टन इन 1808. सेकेंड पॉइंट विच यू हैव इज ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जितने भी यू नो एटम थे हमारे गिवन एक एलिमेंट के, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. तो उनके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी थे. ओके सो एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द आइडेंटिकल मास. तो हर एक जो एलिमेंट एटम्स था, उसके पास उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके साथ उसके उसका आइडेंटिकल मास था. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास, तो बेसिकली जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनके मास में भी डिफरेंस था. थर्ड चीज़ वॉट ही प्रपोज्ड इन 1808 इज कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो ऐसे कंपाउंड जो कि फॉर्म हुए थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स थे, दैट कंबाइन एंड फिक्स द इन अ फिक्स्ड रेशियो. फिक्स्ड रेशियो में ऐसा नहीं कि आपने 4 कंपोनेंट
इसका बीज दिया, 5 इसका दे दिया, तो वो कंबाइन कर देगा, आपने मिक्स कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फिक्स्ड रेशियो में ही वो कंबाइन कर सकता है। तो दैट व्हाट इट इज़ कि फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर में शुगर घुल रहे हो तो ये ठीक है, एक टाइम तक तो वो उसमें घुल जाएगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो घुलना बंद कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली एक लिमिटेड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो होता है, सो उसी में ही वो उसको परसिस्ट कर आएगा। क्वेश्चन दैट इज पॉइंट नंबर 4 इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व कर रहे थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम को, दीज आर नीदर क्रिएटेड, ये क्रिएटेड भी नहीं हो सकते, एंड नॉट दैट नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है और आपको यू नो जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है तो वहाँ पे ना ही वो क्रिएट करेगा अपने तरफ से कोई भी एलिमेंट या एटम, और ना ही वो डिस्ट्रॉयड करेगा। अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन में भी वो ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकता है और ना ही वो क्रिएट कर सकता है। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द सेशन एज वेल। सो हियर यू कैन सी दैट इन द डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन्स थ्योरी जो थी वो यू नो एक्सप्लेन उसने किया था केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है वो ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, सो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। 5 लॉज थे, ठीक है, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लो, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। प्लीज़ जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ओके, थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।